हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेली ईआरपी 9 में अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के फर्दर टॉपिक सीखेंगे। यहाँ पे आपको कुछ और टॉपिक्स दिए हैं अकाउंटिंग टर्म्स के, आप देख सकते हो। आपको यहाँ पे सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के टॉपिक्स में दिया हुआ है रेवेन्यू। रेवेन्यू दैट मीन्स कंपनी जिन गुड्स को गुड्स से डीलिंग करती है उनको मार्केट में सेल करती है, जिससे जो अमाउंट उसे रिसीव होती है सेल करने पर उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू का इन अदर वर्ड में हम ग्रॉस सेल भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है गुड्स। गुड्स दैट मीन्स कि कंपनी जिस गुड्स को प्रोड्यूस करती है उसे हम गुड्स कहते हैं जो सेलिंग के लिए होता है। एक कंपनी के लिए जो गुड्स सेलिंग के लिए होते हैं, स्टॉक होते हैं, वो दूसरी कंपनी के लिए एक्सपेंसेस भी कहलाए जाते हैं। जैसे कि स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी जो अगर स्टेशनरी की कंपनी है तो वो उसके लिए गुड्स होंगे, और अगर अदर कंपनी है उसके लिए स्टेशनरी एक्सपेंसेस कंसिडर की जाती है। इस तरह से गुड्स होते हैं। गुड्स परचेज किए जाते हैं, रीसेल करने के लिए भी होते हैं, और अगर हम कुछ गुड्स ऐसे परचेज करते हैं जो हमारी कंपनी के एग्जिस्टिंग यानी कि फिक्स्ड एसेट्स में भी कंसिडर होते हैं। उसके बाद है परचेज। परचेज दैट मीन्स कि हम गुड्स परचेज करते हैं मार्केट में से। उसमें गुड्स में दो टाइप के गुड्स होते हैं। कंपनी जो अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए गुड्स परचेज करती है, जो रीसेल करने के लिए नहीं होते हैं वो गुड्स, और दूसरे जिस पे वो वर्क करके फिनिश गुड बना के उसको रीसेल करे। गुड्स में भी परचेज की गुड्स में दो टाइप रहते हैं, एक तो कैश परचेज और एक है क्रेडिट परचेज। अगर कंपनी किसी कंपनी के पास से गुड्स परचेज कर रही है कैश बेस पे, कैश पेमेंट करके, हम उसको कैश परचेज कहते हैं, और अदर कंपनी को क्रेडिट पे परचेज कर रही है यानी फ्यूचर में अमाउंट पे करने के प्रॉमिस से परचेज कर रही है, हम उसे कहते हैं क्रेडिट परचेज। इस तरह से परचेज में दो टाइप्स रहती है। उसके बाद है सेल्स। सेल्स में भी आपको यहाँ पे दो टाइप दी है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। सेल्स दैट मीन्स जिस गुड्स पे कंपनी डील करती है उस गुड्स को सेल करना। कैश सेल्स में ये रहता है कि कंपनी गुड्स को कैश में सेल कर रही है, सेल करके इमीडिएटली कैश रिसीव कर रही है। क्रेडिट सेल्स की अगर कंपनी किसी पर्सन को क्रेडिट बेस सेल कर रही है यानी ऑन हिज क्रेडिट गुड्स सेल कर रही है ऑन फ्यूचर पेमेंट। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक दैट मीन्स स्टॉक में भी आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स दी है। स्टॉक में है सेमी फाइनल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स रहते हैं। स्टॉक वो रहता है, दो स्टॉक्स रहते हैं। अगर कंपनी जब बिजनेस स्टार्ट कर रही है तब अगर बिजनेस में गुड्स ला रही है दैट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक, और ईयर एंड में जब भी कुछ गुड्स बच गए हैं तो उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। एक साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। इस तरह से स्टॉक वर्क करते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिया है लॉसेस। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक लॉसेस पढ़ेंगे। लॉसेस दैट मीन्स कि अगर कंपनी की इनकम एक्सपेंसेस से कम हो यानी कंपनी की एक्सपेंसेस बढ़ जाए इनकम से कंपैरिजन में, तो तब कंपनी लॉस करती है। सपोज़ कि हम एग्जांपल लेते हैं, अगर कंपनी ने गुड्स प्रोड्यूस करने में 10,000 का एक्सपेंस किया और किसी रीज़न थ्रू वो गुड्स हमें ना मार्केट में 9,000 में सेल करने पड़ रहे हैं, तो 1,000 जो डिफरेंस रह रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज अ लॉस। अगर कंपनी का कोई एम्प्लॉई गुड्स की थेफ्ट यानी कि गुड्स की चोरी करता है तो वो भी लॉस कंसिडर होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपराइटर। प्रोपराइटर वो पर्सन होता है जो कंपनी में कैपिटल लाता है यानी कि कैश लाता है, एनी एसेट्स लाता है, वो प्रोपराइटर कहलाया जाता है, बिजनेस का ओनर रहता है। उसके बाद है ड्राइंग। ड्राइंग दैट मीन्स कि अगर कंपनी का ओनर और प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से कुछ अमाउंट घर पे ले जाता है यानी कि खुद के यूज़ के लिए कुछ कैश या फिर फर्नीचर या एनी काइंड्स ले जाता है, उसे कहते हैं ड्राइंग। उसके बाद है डिस्काउंट। डिस्काउंट दैट मीन्स कि अगर कंपनी अपने कस्टमर को सम अमाउंट की छूट देती है यानी कुछ अमाउंट
की छूट देती है उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट के टू टाइप्स रहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जब भी सेल करते हैं सेल्स बेस पे हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। कैश डिस्काउंट तब मिलता है अगर कस्टमर ने कैश इमीडिएटली पेमेंट किया है, यानी कि विद इन द टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड से पहले ही कैश पेमेंट किया है या फिर एडवांस कैश पेमेंट किया है तभी हम कैश डिस्काउंट उसको अलाउ करते हैं। उसके बाद है वाउचर। वाउचर वो एक ऐसा इनवॉइस, ऐसा रिटर्न डिटेल मटेरियल रहता है जिसमें कंपनी ने किसके पास से गुड्स परचेज किए, कब परचेज किए, किसको सेल किए, कौन सी डेट को सेल किए, उसका सारा रिटर्न मटेरियल यानी रिटर्न प्रूफ रहता है, उसे हम वाउचर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दो टॉपिक हैं डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस शीट और कंपनी के जो हम अकाउंटिंग के लिए पर्टिकुलर्स बुक रखते हैं उसमें हम इस तरह की दो साइड बनाते हैं, डेबिट और क्रेडिट, जिसमें अगर हमारे पास कोई गुड्स आ रहे हैं तो हम उसको डेबिट साइड मेंशन करते हैं और जा रहे हैं तो हम उसको क्रेडिट साइड मेंशन करते हैं, यानी एक प्रॉपर वे को मेंटेन करना उसे कहते हैं डेबिट और क्रेडिट। उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है दैट इज बैलेंस शीट। लास्ट टॉपिक है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दैट मीन्स कंपनी का स्टेटमेंट जो कंपनी की सारी डिटेल आपको बताता है उसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है जो कंपनी की हर एक डिटेल को आपको दिखाता है, कंपनी वेदर प्रॉफिट कर रही है लॉस कर रही है हर एक स्टेटमेंट को आपको रिटर्नली दिखाता है, जो ईयर के एंडिंग में आप बनाते हैं उसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। थैंक यू।